CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला राग अनुराग। गम पदनी सानि दबम गरिसा श्रृंखला में आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम मल्हार, जो राग मियां मल्हार पर आधारित है। मल्हार उपशास्त्रीय संगीत की शैली है। मल्हार का अर्थ है वर्षा। वर्षा ऋतु पर यह गायन शैली आधारित है। इसमें उपशास्त्रीय बंदिशें गाई जाती हैं। मॉनसून के महीने में गाई जाने वाली इस शैली की बंदिशों के विषय वर्षा ऋतु, प्रकृति और प्रेम रहते हैं। मौसमी रागों में इसका प्रमुख स्थान है। मल्हार बहुत ही मधुर वातावरण पैदा करने वाला राग है। आज हम सुनेंगे मल्हार कहरवा ताल में। कहरवा ताल क्या होती है, आइए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ताल कहरवा। कहरवा ताल में चार मात्राएं होती हैं। विभाग दो, ताली एक पर और खाली तीन पर। इसके बोल हैं धागे न तीनक धिन। अब आप कहरवा ताल को तबले पर सुनिए। कुछ विद्वान इसे आठ मात्राओं का मानते हैं, इसलिए इसमें चार विभाग, ताली तीन यानी कि पहली मात्रा, तीसरी मात्रा, सातवीं मात्रा पर और खाली पांचवी मात्रा पर मानते हैं। बोल वही है धागे ना तीनक धिन। अब आप ताल कहरवा का ठेका तीन चार आवर्तियों में तबले पर सुनिए। राग मियां मल्हार पर आधारित मल्हार सुनने से पहले आइए राग मियां मल्हार को भी थोड़ा जान लेते हैं। राग मियां मल्हार काफी थाट का राग है। इसका वादी स्वर षडज तथा संवादी स्वर पंचम है। राग मियां मल्हार के अवरोह में धैवत वर्जित है। इसमें गंधार कोमल लगता है और निषाद दोनों लगते हैं। शेष सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। राग मियां मल्हार का गायन समय रात्रिकाल और वर्षा ऋतु है। राग मियां मल्हार का आरोह इस प्रकार है। सा रे मा रे सा मा रे पा नी सुनिए अवरोह। सा नी प म प ग म रे सा सा नी प म प ग म रे सा। आइए अब सुनते हैं राग मियां मल्हार की पकड़। रे मा रे सा नी द नी सा मरे पा पग
ग म रे आइए अब सुनते हैं राग मियां मल्हार पर आधारित मल्हार। मल्हार इतनी लोकप्रिय गायन शैली है कि रंगमंच यानी थिएटर में इस उपशास्त्रीय गायन को विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। थिएटर में इसकी प्रस्तुति की विशेषता है वाद्य वृंदों के पारस्परिक समावेश में वादन की विविधता। आइए अब सुनते हैं मल्हार। राग है मियां मल्हार। बंदिश के बोल हैं मत बोल कोयलिया मतवारी, मत बोल कोयलिया मतवारी, मत बोल कोयलिया मतवारी, मत बोल कोयलिया मतवारी, मत बोल कोयलिया मतवारी। ऋतु वर्षा अब आई सखी रे, ऋतु वर्षा अब बूंदन लगत कटारी, बूंदन लगत कटारी, दामिनी दमक चमक घन गरजे, दामिनी दमक चमक घन गरजे, छाई रैन अधिया मत बोल कोयलिया मतवारी, मत बोल कोयलिया मतवारी। जब से छाड़ी गए कुंजन वन, जब से छाड़ी गए कुंजन वन, प्यारे कृष्ण मुरारी, प्यारे कृष्ण मुरारी, तड़पत मीन बिना जल जैसे, सोई गति बिन गिरधारी, सोई गति बिन गिरधारी, मत बोल कोयलिया मतवारी, मत बोल कोयलिया मतवारी, मत बोल कोयलिया मतवारी, मत बोल कोयलिया मतवारी। संगीत भौगोलिक सीमाओं में बंधा नहीं होता। भारतीय राग केवल भारतीय वाद्य यंत्रों पर ही नहीं बल्कि पाश्चात्य वाद्य यंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। काल के साथ संगीत के गायन और वादन में परिवर्तन आता रहता है। भारतीय संगीत और राग इतने अधिक समर्थ हैं कि विश्व के अन्य वाद्य यंत्रों पर भी
बजाए जा सकते हैं। विश्व स्तर पर इसका प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है और बहुत अधिक पसंद भी किया जा रहा है। यही नहीं, भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ विदेशी वाद्य यंत्रों को मिलाकर भी भारतीय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत बजाया जा सकता है, जो आजकल फ्यूजन संगीत के नाम से जाना जाता है। फ्यूजन संगीत के अंतर्गत भारतीय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत बहुत अधिक प्रचलित है। तो अब प्रस्तुत है पारंपरिक और अपारंपरिक वाद्य यंत्रों की संगत के साथ मल्हार की रचना। बोल वही है, मत बोल कोयलिया मतवारी, और राग है मियां मल्हार। मत बोल कोयलिया मतवारी, मत बोल कोयलिया मतवारी, मत बोल कोयलिया मतवारी। ऋतु वर्षा अब आई सखेरी, बूंदन लगत कटारी। ऋतु वर्षा अब आई सखेरी, बूंदन लगत कटारी। दामिनी दमक चमक घन गरजे, छाई रैन अधिया। जब से छाड़ी गए कुंजन वन प्यारे कृष्ण मुरारी, जब से छाड़ी गए कुंजन वन प्यारे कृष्ण मुरारी। तड़पत मीन बिना जल जैसे, सोई गति बिन गिरधा। भारतीय संगीत की अनन्य विशेषताओं में से एक है विश्व की समग्र संगीत विधाओं को आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता, जिसके कारण यह विहंगम रूप से अपने सौंदर्य की संपूर्णता के साथ वैश्विक क्षितिज पर विस्तारित और परिलक्षित होता है। इसी विलक्षण गुण की झलक के रूप में अब प्रस्तुत है मल्हार पारंपरिक और अपारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ अपने फ्यूजन रूप में।
संगीत विद्यार्थी एवं श्रोतागण से अनुरोध है कि प्रस्तुत राग और मल्हार का स्वर विस्तार अपनी कल्पना से करते हुए अभ्यास करें। मल्हार, राग मियां मल्हार। अभी आप सुन रहे थे राग अनुराग श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम। परियोजना परिकल्पना प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार बेहरा, श्रृंखला संचालन राजेश निमेश, आलेख परामर्श डॉक्टर इंदु कुमार, विशेष आभार अजीत होरो, आलेख अनुसंधान एवं संगीतकार राकेश पंडित, आलेख सहयोग रवीश त्रिपाठी, गायन स्वर पंडित निर्माल्य डे और नेहा खंक्रियाल, वाचन स्वर जितेंद्र राम प्रकाश, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनिंकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना और तनु गुप्ता, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।